Hello guys, namaste, welcome back. This is Rahul Basumatary and welcome to my YouTube channel Miles to Go vlog. So guys, हम लोग हैं आज रुपए में और ये गुवाहाटी कचहरी में है और अभी लंच टाइम चल रहा है, इसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा और उससे जाने के पहले हम लोग टिकट करना होगा. तो गाइस पहले टिकट कर लेते हैं. लेट्स दो टिकट लो. हाँ 873 2385. Rahul Basumatary. This one. 120. Thank you. टिकट ले लिया अभी गाइस और इसका सिर्फ जाने का टिकट है 60 रुपीज़. अप एंड डाउन का टिकट नहीं मिलता गाइस. तो अभी यहाँ से और हम लोग को चेक इन करना होगा. सो गाइस यहाँ पे फिर से एक छोटा सा लाइन है और जो कि ये शायद मेरे इस ख्याल से टर्मिनल के लिए होगी, क्योंकि ये टर्मिनल यहाँ से जाएगी तो वहाँ से एक आएगी शायद. या 5 या 10 मिनट के लिए रुकना होगा हम लोग को यहाँ पर. सो गाइस अभी हम लोग हैं इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट रोपवे पे, जो कि लगभग 1.82 किलोमीटर है और ये गुवाहाटी सिटी से नॉर्थ गुवाहाटी को कनेक्ट करता है और इसको आप केबल कार भी बोल सकते हो. सो गाइस खूबसूरती तो देखिए आप लोग ब्रह्मपुत्र का. और गाइस ये मेरा सामने है उमानंदा, सबसे छोटा आइलैंड जो मैं बोल रहा था आप लोग को. और आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए. अभी तब तक के लिए एक सिनेमेटिक शॉट्स देखिए. सो गाइस देखते रहिए. तो गाइस मेरा सामने है उमानंदा, जो कि मैं पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूँ. ये इंडिया का स्मॉलेस्ट आइलैंड है, सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड है ये और बहुत ही खूबसूरत है ये. और इसके अंदर टेम्पल है, मंदिर है, जो कि शिव भगवान का मंदिर है यहाँ पे. और मैं अभी पहले आ चुका हूँ यहाँ और बहुत ही खूबसूरत है. नीचे आप लोग कभी भी आइए, बहुत ही खूबसूरत है. आप लोग देख सकते हैं मंदिर यहाँ से. मैं थोड़ा खुद दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को, लेकिन यहाँ थोड़ा हिल रहा है इसलिए नहीं दिखा पाऊँगा शायद. और गाइस ये आइलैंड एक ब्रिटिश ऑफिसर ने पीकॉक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है और उसने नाम दिया था ये पीकॉक आइलैंड. और अगर आप लोग आज भी अगर गूगल में सर्च करोगे पीकॉक आइलैंड तो ये उमानंदा ही दिखाएगा आप लोग को. सो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ऐसा वीडियो बनाने में और मुझे बहुत टाइम से कहीं गया नहीं था तो बहुत दिनों के बाद आज आया हूँ. सो आप लोग के लिए भी आज अच्छा कुछ दिखाने चाह रहा हूँ. सो गाइस प्लीज़ सपोर्टिंग और सब्सक्राइब कर लेना यार प्लीज़ गाइस. गाइस हम लोग पहुंच चुका हूँ गुवाहाटी सिटी से अभी नॉर्थ गुवाहाटी, और ये है नॉर्थ गुवाहाटी का स्टेशन। और आप इस तरफ से आप डोलगोबिन भी जा सकते हो, यहाँ भी एक मंदिर है डोलगोबिन नाम का। तो हम लोग का तो कुछ काम नहीं है, सिर्फ हम लोग घूमने आए थे रोपवे पे। चलो भैया चल जाओ। सो गाइस हम लोग उतर गए अभी नॉर्थ गुवाहाटी में, और आगे देखते हैं, शायद टिकट लेना होगा फिर से रिटर्न टिकट। सो देखते हैं, चलिए। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी टिकट काउंटर की तरफ रिटर्न टिकट के लिए। और गाइस अप एंड डाउन टिकट मिलता नहीं है, और इसके लिए अभी हम रिटर्न टिकट लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। और गाइस एक बात बोलो आप लोग को, क्योंकि जब भी आप लोग यहाँ आइए तो 5 बजे का पहले आइए, क्योंकि 5 बजे के बाद कम्प्लीटली बंद हो जाता है यहाँ, और शायद टिकट भी नहीं मिलेगा। इसके लिए अभी हम लोग भी बाहर नहीं जा रहे, क्योंकि जल्दी से यहाँ से टिकट कटेंगे और यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। सो गाइस वो रहा टर्मिनल आ रहा है हम लोग का, और हम लोग नॉर्थ गुवाहाटी से अभी गुवाहाटी सिटी की तरफ जा रहा हूँ रिटर्न। और गाइस बस मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया मुझे, और आप लोग भी आइए। Okay, bye bye terminal North Guwahati, bye bye, see you again. गाइस ये है गुवाहाटी सिटी, और हम लोग पहुंच चुका हूँ अभी गुवाहाटी सिटी। और देखिए इतना खूबसूरत गुवाहाटी सिटी, जो कचारी है ये एरिया। और आप लोग को एक मैं चीज़ दिखाऊँ, मेरा आंखों को भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे बहुत दिन से ये चीज़ देखना था। तो आप लोग भी देखिए मेरे साथ, ये देखिए खूबसूरत सा सनसेट, इतना बढ़िया लग रहा है ना कसम से। और बस पहुँच गया हूँ हम लोग अभी। लोग ने कर लिया रुकने, और आप लोग भी आइए अपना फैमिली लोग के साथ और अपने बच्चे लोग लेके आ सकते हैं यहाँ। और बहुत ही अच्छा जगह है, कचहरी में है, सामने हाईकोर्ट है, और एड्रेस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। तो गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद फ्रेंड्स। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। टिल देयर, टेक केयर, डू व्हाटएवर यू वांट, माय लवली फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।